नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये खबर आपको हम बताने वाले हैं। सुबह सुबह हमने आपको बताया था कि अक्टूबर में 4 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। 2 लाख जो है लगभग आंगनबाड़ी कर्मियों की इसमें सहभागिता रहने वाली है। अब जाहिर सी बात है, जब सहभागिता होगी तो उससे पहले प्रचार प्रसार जागरूक भी किया जाएगा। तो विभिन्न जनपदों में अलग अलग राज्यों में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जा सके और दिल्ली में जो प्रदर्शन होने वाला है उस प्रदर्शन को सफल बनाया जा सके। इसी को लेकर बिहार से और उत्तर प्रदेश से 2 बड़ी खबरें हमारे पास पहुंची हुई हैं। सबसे पहले तो हम बिहार से आपको बता दें, तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीर है जो बिहार से निकल कर आई है। देखिए तो बिहार और यूपी से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। दोनों ही जगह जो है तैयारी हो गई है। इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों में जैसे ही हमारे पास तैयारी की अपडेट आती रहेगी, जो भी वो आपको लगातार मिलेगी। जो अक्टूबर में धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने वाला है उसकी पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि हमने सुबह कहा था, शुरुआत करते देखिए आज की एक ताज़ा खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है अखिल भारतीय है जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले राज्य स्तरीय, यानी कि बिहार से ये खबर है। तो बिहार के राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी। बैठक की अध्यक्षता जो है बिहार के जमुई की जिला महासचिव स्नेहलता ने जो है की है। और आपको बता दें, प्रमुख तौर पर जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर और भी कई लोग मौजूद रहे। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, सेवकाओं को संगठित कर सरकार के साथ संघर्ष का नया रणनीति तय करना। आपको बता दें, अलग अलग जनपदों से खबर निकल कर आ रही है, अलग अलग राज्यों से भी खबर निकल कर आ रही है। कई जगहों पर ये बैठकें हो रही है और जहां पर अभी तक बैठक नहीं हुई है वहां पर भी भविष्य में देखने को मिलने वाली है। यहां पर आपको बता दें, कौन कौन कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि इस जो है धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाला है। जो भी सम्मिलित होने वाला है वो कमेंट बॉक्स में अपने अपने जनपद का नाम जरूर मेंशन करें। आपको बता दें, इस बैठक में लगभग 12 जनपदों के संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। अभी हम आपको फोटो दिखाएंगे जिसमें आप पदाधिकारी को देख पाएंगे। बिहार के 12 जनपदों के संघ पदाधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक को संबोधित करते हुए मधुबनी की जो है नेत्री मंजू देवी जो है, मुंगेर की कुंदन बाला, कहलगांव की नीता कुमारी, शेखपुरा की कमल सिन्हा, लखीसराय से सुनीता देवी, भागलपुर की मंजू देवी बाका, ये अलग अलग जनपद हैं। यूपी वालों को हो सकता है बहुत सारे जनपद के नाम समझ में ना आ रहे हो, तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। जो भागलपुर है यहाँ क्षेत्र की है मंजू देवी, बांका से कुमारी नीलम, नवादा से नूतन सिंह ने बैठक को संबोधित किया है। और बैठक में सैकड़ों की संख्याओं में सेवकाओं ने भाग लिया। जैसे ही लगातार विभिन्न जनपदों से अपडेट हम तक पहुंचेगी, इस चैनल के माध्यम से आप तक भी खबर पहुंच जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। जम्मू के जो है जिला महासचिव स्नेहलता ने बताया कि यह संगोष्ठी 2 दिवसीय है जो कल तक चलेगी। अब इससे लगता है कि इस बार जो है पूरी तरीके से आंगनबाड़ी यूनियन तैयार हो चुका है और केंद्र सरकार को चुकाने का प्रयास ये होगा। क्योंकि केंद्र सरकार का अगर कोई ऐलान या बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से पहले होता है तो कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम सफल हो जाएगा। मांगे क्या क्या है सुबह हमने आपको बताया है, और इसको लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर बाकायदा परमिशन यानी स्वीकृति भी ली गई है। और ये बिहार में होने वाला, आपको बता दें ये दिल्ली में होने वाला है, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन है, उसी को लेकर ये बिहार में तैयारियां की जा रही हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश भी चलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अन्य राज्यों से भी जैसे हम तक खबरें पहुंचेंगी वो आपको बताई जाएगी। ये आप देखिए बैठक की फोटो है, या हमारे तक आई हुई है चैनल के माध्यम से, आपको ये बैठक की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, यूपी में किस तरीके से हालात हैं वो भी हम जानेंगे। नीचे आप देख रहे हैं खबर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की तैयारियों में कार्यकर्ता जुट चुके हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुटे हैं। आपको बता दें, यूनियन का नाम अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का जो है एक आयोजन हुआ था मालवीय आवास गृह बदायूं। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, यहाँ पर मालवीय आवास गृह पड़ता है, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में रणनीति तैयार की गई है और ये सभी बैठकें दिल्ली के लिए ही हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए यहाँ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना है, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अतः राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली की तैयारी में जुट जाएं। फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कौन कौन जो है दिल्ली के लिए सहभागिता करेगा, कमेंट बॉक्स में यस या नो में बताइए। अगर आप सहभागिता करने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स अपने जनपद का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई होने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जितने भी जो यूनियन होते थे अलग अलग जनपदों क्षेत्रों में जो प्रदर्शन कर लेते थे, या फिर आपको बता दें उनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाती थी और एकजुटता उसमें उनमें जो है बहुत कम देखने को मिलती थी। अब जो है ज़्यादातर यूनियनों में एकजुटता देखने को मिली है और इसी वजह से जो है एक साथ सभी यूनियन मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में ये बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, केंद्र सरकार पर जो है दबाव बनाना प्रमुख ये लक्ष्य रखा गया है, ताकि केंद्र सरकार मानदेय वृद्धि करे या फिर राज्य कर्मचारी घोषित कर दे तो एक अच्छी बात है, वरना मानदेय वृद्धि भी
की जाए ये मांग रहेगी। मंडल अध्यक्ष मोहन श्री गुप्ता ने कहा है कि संगठन में शक्ति होती है, सभी लोग दिल्ली चले। अब कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया और मैं चाहूँगा कि दिल्ली जाने के बाद क्या आपकी मांगें पूरी हो सकती है, क्या आपको लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ ही आपको बता दें, यहाँ के नेता जो है प्रवेश कुमारी चौहान ने कहा है कि फिल्म मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर अन्य विभाग से काम न लिया जाए और उसके बाद भी आंगनबाड़ी कर्मियों से काम लिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी जो है विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। खजाना देवी ने कहा है कि दिल्ली को प्रत्येक ब्लॉक से बस की व्यवस्था की जाए दिल्ली के लिए। और इसी के साथ ही इस मौके पर कितने सारे नाम आ रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है रानी सक्सेना है, इनका नाम भी आ रहा है, और भी कई नाम आप लोग देख सकते हैं। जिला उपाध्यक्ष शोभा वर्मा ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक पर बैठ के की जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। लगातार हमारे पास अपडेट आएगी इस संबंध में, चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये फोटो देख रहे हैं, बिहार से भी हमने हालात जाने, उत्तर प्रदेश से भी हमने हालात जान लिए। लगातार हमारे पास अपडेट आ रही है, चूँकि अभी समय है, समय से पहले बैठकें होंगी, ब्लॉक स्तर पर होंगी, शहरी स्तर पर होंगी, जिला स्तर पर होंगी, तो जहाँ जहाँ से बैठकों की अपडेट हमारे तक आ रही है वो चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। और ये आप देख रहे हैं सुबह वाली खबर, मीटिंग में बड़ी रणनीति को लेकर हमने आपसे पूछा था क्या जो प्रदर्शन करना चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों ने प्रतिक्रिया काफ़ी दी है, सभी लोगों ने यस यस कहा है। ये आप देख रहे हैं आप लोगों की प्रतिक्रिया है, यस है। सुमन श्रीवास्तव ने लिखा यस, किंग एल्टिंग ने लिखा यस, जय माता दी इन्होंने लिखा है यस। और अभी तक जो है जितने भी पिछली सरकारों में सब आंगनबाड़ी के साथ सौतेलापन हुआ है, इस तरीके का मैसेज आया राकेश मिश्रा जी का। फूलचंद लिख रहे हैं यस, और इसी के साथ ही सक्सेना देवी लिख रही हैं आंगनबाड़ी सक्स, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है और इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया लिखी हुई है। प्रिंस यादव भी लिख रहे हैं यस लिख रहे हैं, नवनीत कुमार लिख रहे हैं यस, और सरकारी कर्मचारी करेंगे या फिर नहीं भाई जी, ये भी देखो इनका मैसेज है। और भी कई मैसेज पड़े जिनको हम पहले ही आंसर कर चुके हैं, इस कारण से यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी तो ज़रूर दें। तो देखिए आज हमने आपको कमेंट बॉक्स दिखा दिया, कितने सारे मैसेज आप लोगों के पड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह लिख रहे हैं थैंक्स भैया, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए और भी जिस बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है हम नहीं रिस्पॉन्स कर पाते हैं व्यस्तता के चलते, इसी कारण से लाइव आने का प्रयास रहता है। तो कोशिश रहेगी लाइव अगर टाइम मिलता है तो कल लाइव आया जाएगा, ठीक है। जब व्यस्तता होती है तो लाइव नहीं आते हैं। यहाँ पर फैजान आशीष कुछ ऐसा नाम है, ये भी जुड़े हैं हमारे साथ। भाई यूपी में 45वां है, ठीक है। आशीष जी लिख रहे हैं मानदेय तो दे ही सकती है, कुछ ऐसा लिखा है, भर्ती के बारे में मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अक्तौली से भी जुड़े हुए हैं, इनको भी जो है इनका ही मैसेज देख लिया है, किंग एडिटिंग का मैसेज आ रहा है। और इसी के साथ ही भाई हाईकोर्ट ने मानदेय का क्या किया, अभी हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं है। सर दिल्ली की कोई खबर हो तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे, दिल्ली की खबर कंटिन्यू रहे। कौशंबी में नहीं आया, ठीक है। और हैप्पी रक्षाबंधन, ये देखिए अभी तक रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। चलिए पुरानी पोस्ट है, जिन लोगों ने नहीं दिया वो दे सकते, कोई बात नहीं है। सूर्या यादव नमस्कार कर रहे हैं, चलिए स्वागत है आपका। और इसी के साथ ही बहुत सारे मैसेज हैं, देखिए आप लोगों के मैसेज बहुत सारे जो है मैसेज हम रिप्लाई आपको बता दें लाइव में ही कर देते हैं। मुनेन एक कुछ ऐसा नाम है समझ में नहीं आ रहा है, आप समझिए मुनेन्द्र पाल सिंह हैं, आप बताएं जनपद फिरोजाबाद ब्लॉक टूंडला। पासवर्ड के बारे में अभी जानकारी नहीं है, किस तरीके से आप पासवर्ड पूछ रहे हैं। रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे मैसेज हैं, आप लाइव आकर बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।